क्या हो रहा है? हाथ उठाएगा कमीना। एक मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में देखना, पहले इसे देखिए। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये कैसे हो सकता है? चेट्टियार ने हमें प्रोजेक्ट दिया था ना, आपको कैसे कॉन्फर्मेशन लेटर दे सकते हैं वो? मिनिस्टर मदन मोहन को फोन करो। यस मैम। टेल हिम आई वांट टू मीट हिम। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये कैसे मुमकिन है? दूसरी कंपनी को दिए प्रोजेक्ट के लिए मैं कैसे बात करूं? पैसे फेंकती हूं। इलेक्शंस के वक्त 50-100 करोड़ आपको देती हूं क्या यही सुनने के लिए? मंत्री जी, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ सर, इसे कबूल करना है या नहीं फैसला कर लीजिए। रुकिए मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए यही ना? छोड़िए, मैं देख लेता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। पुरखों की जमीन को कल ही सरकारी जमीन बना दूं क्या चटियार? इतनी पावर तो है ना मेरे पास। क्या धमका रहे हो? मैं चुप नहीं बैठूंगा, कोर्ट में केस करूंगा। बेशक करो, करके 20-25 साल अदालत के चक्कर काटो। ये क्या चटियार, मैं किसी फालतू कंपनी को थोड़ी ना दिला रहा हूँ। इंडिया में नंबर 1 कंपनी है उनकी,
जो काबिले उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए। ठीक है, कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे बच्चों जैसे। तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे एडवाइस दो रघुवरन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया बहुत अलग है। इन शॉर्ट, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। अब समझ में आ रहा है आप ऑल इंडिया में नंबर वन कंपनी कैसे बनी? धोखाधड़ी और पीठ में छुरा भोंक कर ही ना। Hey, let's cut it short. ये नंबर वन पोजीशन मैंने मेहनत और टैलेंट से अचीव किया है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है? बढ़िया, गुड जोक। जोक तो तुम बन गए हो। तुम्हारे घमंड के वजह से तुम्हारे हाथ से ये प्रोजेक्ट भी गया। किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर बड़ी मुश्किल से महीने का 5-10 हजार कमाने वाला होकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है तो मैंने तो 12 साल की उम्र में सर से माँ बाप का साया उठने के बाद लालची रिश्तेदारों से अपनी फैमिली की लेगेसी को बचाकर इतने बड़े एम्पायर को टेक ओवर करके आज इंडिया की नंबर वन कंपनी बना दिया तो मुझ जैसी ऐसी अकेली कामयाब औरत में कितना गुरूर होगा। आपकी काबिलियत और अचीवमेंट्स की मैं कदर करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हम जैसी छोटी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को जबरदस्ती छीनने के घटियापन के बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है वो बेमतलब हो जाती है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं ये खुद छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? हो कौन तुम? किससे बात कर रहे हो पता है? ये प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें छोड़ देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस नौकरी को तुमने ठुकराया था उसी नौकरी के लिए अगर तूने मेरे पास आकर मेरे आगे हाथ ना फैलाए। मैंने आज तुम्हें जो 7 मिनट की मोहलत दी थी पूरे हो गए। क्या प्रॉब्लम? कुछ पता नहीं रघु। रघु इधर सर, क्या हो रहा है? कल से 3 कंपनियों ने हमें फोन करके उनके साइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? पता नहीं रघु, पूछने पर कुछ नहीं बता रहे। हो सकता है ये चेटियार प्रोजेक्ट कैंसिल होने की वजह से हो रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रघु वरन, जिस प्रोजेक्ट को हमने ओके किया उसे कैंसिल करने का भी हमें पूरा हक है। आपको पूरा हक है सर, लेकिन कैंसिल क्यों कर रहे हैं ये तो हम जानना चाहेंगे ना। आपने कितना कोट किया? 80 करोड़ सर। इसी प्रोजेक्ट को बेटर डिजाइन्स में 50 करोड़ में कंप्लीट करने का वसुंधरा कंस्ट्रक्शंस का ऑफर है। सर 50 करोड़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नामुमकिन है सर। मुमकिन है तभी तो कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कम कोट करने वाले को ही हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। गलत मत समझिएगा, इट्स जस्ट अ गुड बिजनेस। मैम, वो पनवेल प्रोजेक्ट जो है, हमने ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट कभी नहीं किया मैम। उसमें भी आपने पूरे 30 करोड़ कम कोट किए हैं। हमें अपने हाथ से अब 20-25 करोड़ डालने पड़ेंगे मैम। 20-30 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter at all. ऐसे छोटे छोटे लॉसेस को कवर करने के लिए मैं दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इक्वल प्रॉफिट्स बना रही हूँ। अगले कुछ हफ्तों तक बिना किसी सवाल के मैं जो भी प्रोजेक्ट कहूँ सब टेक ओवर करूँ एट एनी कॉस्ट। सॉरी रघुवरन, ये मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन। मैं वाकई मजबूर हूँ, मुझे समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर रघुवरन। आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन, प्लीज अंडरस्टैंड। प्रोजेक्ट तो होने को मिलेगा ना? माना कि रामकुमार जी अच्छे आदमी हैं, पर हम क्या करें? कहिए मिस्टर रामकुमार, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपकी तो बहुत बड़ी कंपनी है, इस मुकाम पर होकर भी हमारी कंपनी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्यों टेक ओवर कर रही है? चेटियार प्रोजेक्ट भी एंड ऑफ द डे आप ही को तो मिल गया है, हमें इस तरह टारगेट क्यों कर रही हैं आप? मेरा टारगेट आपकी कंपनी नहीं, रघुवरन है। इन शॉर्ट, दो ऑप्शंस हैं। एक,
वो मेरी कंपनी में हाथ फैलाकर तनख्वाह पाने वाला एम्प्लॉई बने, या दो आप उसे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं आपकी कंपनी से दूर रहूंगी और आपके सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों नामुमकिन है मैडम। माँ क्या रे? इस तरह क्या घूर रहा है? मैं तेरी इमेजिनेशन ही हूँ, बोल। दूंगी, बोलना। नहीं माँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से बहुत से अच्छे लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है माँ। क्या तूने कोई गलती की? नहीं माँ। किसी के लिए कुछ बुरा चाहा? नहीं माँ। फिर क्या सोचना, तेरे मन को जो सही लगता है वही कर। क्या सही है माँ? क्या सही है ये तो खुद जानता है। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है रघुवरन? सर मैं इस जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ। क्यों रघुवरन, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, वसुंधरा की दुश्मनी मुझसे है, अनिता कंस्ट्रक्शन से नहीं। पहले से ही हमारी कंपनी को इतना लॉस हो गया है, अब नहीं होना चाहिए सर। रघुवरन वो सब देखा जाएगा। नहीं सर, ऑलरेडी आपके मुझ पर इतने एहसान है, मेरा रिजाइन करना ही सही रहेगा। मेरी बात सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या करूं। सॉरी सर, मैं एक दिन आपके पास जरूर लौट कर आऊंगा। थैंक यू सर। मैम, उस रघुवरन को अनिता कंस्ट्रक्शंस ने नौकरी से निकाल दिया है। Get me something to celebrate. Yes, ma'am. Ma'am, Mr. Raghuvaran आपसे मिलने आए हैं। Send him in. क्यों? नौकरी से निकाल दिया? उस दिन मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम यहां जरूर वापस आओगे। इन शॉर्ट, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कल से जॉब ज्वाइन कर लेना। गो। वसुंधरा। मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया, ना मुझे किसी ने नौकरी से हटाया और ना ही मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं। कल तक मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था, प्रोजेक्ट्स, एक कंपनी की तरक्की और एक नेक इंसान के मन की शांति, लेकिन आज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, अनीता कंस्ट्रक्शन से नहीं, इसीलिए आज के बाद वार करना है तो मुझ पे करो। ए, तुम पे वार करूं? मैं तुम पे वार करूं? इतना सारा कुछ खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, अब तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अमूल बेबी, मेरी एक अपनी अलग पहचान है। वीआईपी। वीआईपी? वेला इंपॉर्टेंट पर्सन मैम। या बेबी, वेला इंपॉर्टेंट पर्सन। बेरोजगार हूं लेकिन किसी वीआईपी से कम नहीं, बेकार रहूंगा लेकिन फिर भी खुश रहूंगा। तुम हमारे प्रोजेक्ट्स को और हमारी नौकरी को खरीद सकती हो, लेकिन खुशी को कभी नहीं खरीद सकते। तेरे लिए जो दो मिनट की मोहलत रखी थी वो खत्म हो गई।
चलता हूँ वसु। उठ जा रघु, 9 बजे तक कोई सोता है क्या? उठ जा। सोने से क्या होगा, काम पे लग जा बेटा। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी बॉल डाल। क्या बोलने वाले हो? मेरे क्लासमेट सब काम पर गए, मैं अभी तक बॉल के पीछे भाग रहा हूँ, यही ना? मुझे कुछ नहीं बोलना, खेल। संडे होते ही मटन लाना है। काम पर जाता था तब भी ये मेरा काम था और अभी भी ये मेरा ही काम है। कुछ बातें जिंदगी में कभी नहीं बदलती। उस जमाने में कम से कम कोई तो मुझ पे लाइन मारती थी, लेकिन अब तो जरा हमारे घर के लिए भी मटन ले आना। टाटा। आपके क्रेडेंशियल्स तो अच्छे हैं, लेकिन जहाँ आप काम करते थे उस कंपनी को आपकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सो आई थिंक आई कांट डू मच। आई मिस दिस सो मच। कैसी हैं आप? अच्छी तो है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? हाँ मैडम, काम तो नहीं मिला लेकिन घर पहुंचने की देर है, पेट भर खाना खिलाने वाली है वहाँ। दबा के खाने के बाद घोड़े बेचकर सो जाता हूँ मैडम। मैडम, खाना खाने के बाद दोपहर को सोने में जो सुख है ना, बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम और चुपचाप बैठा रहता हूँ। उसके बाद मेरे VIP लौंडे आते हैं तो उनके साथ मस्ती मारने निकल पड़ता हूँ। मैडम, बिना कुछ किए रहना भी अपने आप में टैलेंट है मैडम, सबके बस की बात नहीं है। आपसे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही ऑफिस जाना है, फिर क्या क्या करना है ये सोचना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है ये सोचना है, दूसरों के प्रोजेक्ट को कैसे छीनना है ये सोचना है, और मुझ जैसे इनोसेंट आदमी को कैसे बर्बाद करना है ये भी सोचना है। बहुत मुश्किल काम है, पल भर का भी चैन नहीं होगा ना मैडम। रूट तो क्लियर है मैम, जेब भी खाली, दिल का बोझ भी खाली, तो चलो वसु। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। VIP वेला इडियोटिक पर्सन।